हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे शाम का टाइम हो रखा है, तो मैं निकला हूँ इवनिंग वॉक पे। कल सारा दिन बारिश लगी रही है, आज भी दिन में बारिश थी लगी हुई। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, तो अभी सोच रहा हूँ कि ना थोड़ी सी बातें शेयर करूँ आपसे। तो आज का जो ब्लॉग है वो घूमने के साथ साथ इंफॉर्मेशनल होने वाला है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, बिकॉज रिसेंटली मैंने काफ़ी कुछ बातें नोटिस की है यहाँ पे। सो टुडेज ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू कम टू न्यूजीलैंड। जो लोग न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ बातें शेयर करूँगा आपसे। तो ये यहाँ का ग्राउंड है, काफ़ी लोग खेलते हैं यहाँ पे। वीकेंड में तो गेम्स होती रहती हैं, काफ़ी गीला हो रखा है बारिश की वजह से, अभी भी ग्राउंड सूखा नहीं है। पैर चिपक रहे हैं ग्राउंड पे, गीला यार पूरा। ओके, तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ 5 थिंग्स। अगर आप न्यूजीलैंड में आने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको 5 बेसिक जो थिंग्स हैं यू शुड नो बिफोर यू कम टू न्यूजीलैंड। सो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्टली लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, कुछ लोग वर्क परमिट पे भी आते हैं। अभी काफ़ी न्यू वीज़ा स्कीम्स न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं। सो मैं आया था स्टूडेंट वीज़ा पे, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा की। तो जो भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की। सो जो पहला मेन टॉपिक है हमारे आज के ब्लॉग का, तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट ज़रूरी है यहाँ पे, बिकॉज जो लैंग्वेज है यहाँ पे जो इंग्लिश है वो वाइडली स्पोकन है, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो आपको बेसिक लैंग्वेज जो यहाँ की है वो पता होनी चाहिए बिफोर यू कम टू न्यूजीलैंड। अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था ग्राउंड में, तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे बेंच पे बैठ के बात करते हैं। ये तो बेंच देखे हैं मुझे यहाँ पे, आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपने जो पेपर्स वगैरह हैं, जो प्रोसेसिंग है, वो अच्छे से करवाएं। किसी अच्छे लॉयर या जो भी कंसल्टेंट आप चूज़ करते हैं, वो आपको राइट इंफॉर्मेशन बताए, उसका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मिसगाइड करने वाले भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एजेंट्स। सो अगर आप न्यूजीलैंड में आते हैं, तो पहला तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट है, बिकॉज़ यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती है। तो आपको कहीं पर भी जॉब चाहिए तो इंग्लिश मस्ट है। एयरपोर्ट पर आते ही आपको शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो कस्टम चेक करते हैं, जो भी होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो बिफोर यू कम हियर यू मेक श्योर यू हैव अ गुड इंग्लिश। तो नेक्स्ट जब यहाँ पे आप आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको हाउसिंग जो है वो भी प्रॉपर आपका होना चाहिए। हाउसिंग के लिए आप या तो जो लोकल फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, या फिर जो भी ट्रेडमी और सारी वेबसाइट बनी है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं जो भी हाउसिंग वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें रेंट और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हाउसिंग के लिए जब यहाँ पे आप पता करोगे, तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 150 या 200 जो वीकली रेंट है उसके आसपास आपको कोई भी अकोमोडेशन मिल जाएगी, जब अगर आप बोर्डिंग चूज़ करते हो। लेकिन अगर आप रेंटिंग के लिए चूज़ करते हो, अपना हाउस रेंट करना है, जब 1 बेडरूम 2 बेडरूम, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उस हिसाब से आप अपना बजट भी बना के आइएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो शेयरिंग में रहना ही फ़ायदेमंद रहता है, बिकॉज उसमें आप काफ़ी सारे पैसे अपने सेव कर लोगे। अगर आप इंडिविजुअली रूम वगैरह लेना चाहोगे तो मिल तो जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है। सो बजट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टूडेंट टाइम में आप सिर्फ 20 आवर काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं होता है। तो हाउसिंग के लिए जा तो आप लोकल ग्रुप्स में, जैसे कि मैंने बोला, आप चैट ग्रुप में फेसबुक पे पता कर सकते हैं, या कोई आपका नोन है तो वो तो अरेंज करवा ही देते हैं कहीं ना कहीं। और इसके बाद अगर फिर भी हो नहीं पाता है, तो आप कॉलेज में जिसमें भी आ रहे हैं वहाँ पे कंसल्ट करें, तो वो कॉलेज वाले आपकी हेल्प कर देते हैं पिकअप, और थोड़े दिन के लिए कहीं ना कहीं पे आपके सेटलमेंट करवा देते हैं कहीं ना कहीं डॉर्मेट्रीज में। आया दूसरी तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइवर लाइसेंस। सो आप किस भी कंट्री से आप अगर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 साल के लिए आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं कार, बिकॉज़ ड्राइविंग जो है आपको मस्ट आनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपकी जॉब और कॉलेज के टाइम के हिसाब से सूटेबल नहीं बैठता है, बिकॉज़ बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है। इंडिया की तरह नहीं है जैसे कि आप ऑटो वगैरह कर लेते हैं, या
और बड़ी सारी ऑप्शन हैं यहाँ पे, इतनी सारी ऑप्शंस नहीं हैं। सो कार आपने मस्ट है सीख के आनी है और अपना लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से बनवा के आना है। बड़ी सारी जॉब्स में तो सीधे सीधे लिखा होता है कि आपके पास अगर कार है तो आप अप्लाई कीजिएगा। कार और ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है वो आपके हेडेक है, आपने ही मैनेज करना है हर तरीके से, तो वो कंपनी किसी में भी आप काम करोगे वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे लोग इस वक्त खेलते होते हैं, अभी थोड़ा कम है बिकॉज ये ग्राउंड गीला है, बिल्कुल बारिश हो रही थी 2-3 दिन से और अभी ठंड भी काफ़ी है, तो इस वजह से अभी खाली है पूरा ग्राउंड। थोड़े से बच्चे वो उधर खेलते हैं दूर कहीं ग्राउंड के दूसरे एंड पे। ड्राइवर लाइसेंस के बारे में जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो ड्राइवर लाइसेंस अगर आप इंडिया से बनवा के आते हैं या कोई और कंट्री से बनवा के आते हैं तो मेक श्योर करिए आप इसका या तो वो लाइसेंस इंग्लिश में हो, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके पास कॉपी होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे वो वही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ वो आपसे इंग्लिश ट्रांसलेशन मांगेंगे उसके लिए। सो और कोशिश करिए कि आप वो लाइसेंस जल्दी से जल्दी जैसे भी आप यहाँ पे आते हैं उसको फुल न्यूजीलैंड लाइसेंस में आप कन्वर्ट करवा लीजिए, अदरवाइज़ एक साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आप यहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, जो कि फिर जॉब्स में आने जाने के लिए आपको और कम्यूटेशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक और थोड़ा सा स्पोर्ट मिला है यहाँ पर, ये भी एक टर्फ है, ग्राउंड है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे लाइसेंस के बारे में बता रहा था मैं, तो लाइसेंस मस्ट लेके आइएगा अपने साथ और ड्राइविंग सीख के आइएगा। विदाउट ड्राइविंग आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जॉब और अपने स्टडी के साथ जो भी है मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मुझे तो ड्राइविंग आती थी लेकिन कार फिर भी मुझे बाई करना पड़ा, तो आप उस हिसाब से अपना बजट भी लेके आइएगा, बिकॉज़ अगर आपने कार बाई करनी है तो मिनिमम टू मिनिमम मान के चलिए 5,000 तो उसके लिए लगेगा, और प्लस आपको रेंटिंग बॉन्ड वगैरह देना पड़ता है यहाँ पे, 2 वीक का बॉन्ड और एक एडवांस भी लेते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से अपने फंड्स जो हैं वो अरेंज अच्छे से करके आइएगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है कुकिंग। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं मेक श्योर करिए कि आप कुकिंग वगैरह सीख के आते हैं, एटलीस्ट मिनिमम बेसिक कुकिंग तो आप सीख के आइएगा, बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि आप जॉब कर लोगे और स्टडी के साथ साथ आप बाहर से अगर कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह से आप लेके खाना खा सकते हो तो बड़ा ही एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, बिकॉज़ अगर एक टाइम की बात मैं करूँ तो मिनिमम टू मिनिमम अगर चीपेस्ट शॉप पे आप यहाँ पे देखेंगे, चीपेस्ट रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे भी आप $20 to $24 जो है वो वन मील के लिए आपको स्पेंड करना पड़ता है, और अगर 3 टाइम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो एटलीस्ट आपको मिनिमम टू मिनिमम $60 के आसपास बैठता है, जो कि अगर आप जॉब करते हैं 20 आवर्स की या कोई भी जॉब करते हैं जो कहीं पे भी सूटेबल नहीं आपको बैठेगा, अगर 7 डेज़ आपने या 6 डेज़ आपने बाहर से ही खाना खाना है रेस्टोरेंट वगैरह से तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, इतना तो फिर ना कुछ सेव कर पाएंगे आप लोग, बिकॉज़ आपको और भी सारे एक्सपेंसेस जहाँ पे मैनेज करने हैं, जैसे अपना रेंट, पेट्रोल और आने जाने के लिए और आपके मोबाइल वगैरह खर्चे जो भी हैं वो भी सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो बिकॉज़ स्टूडेंट लाइफ में आप इतना ज़्यादा कुछ वर्क भी कर नहीं पाते हैं बिकॉज़ वो 20 आवर रिस्ट्रिक्शंस रहता है, तो बहुत हार्ड हो जाएगा अगर आप सोचते हो कि आपको कुकिंग नहीं आती है और फिर भी आप का चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो कुकिंग बेसिक लर्न करके आइए इफ़ यू वांट टू बी कंफर्टेबल हियर। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, तो लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस, बिकॉज आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो मेक श्योर करिए आप फॉरेन कंट्री में आ रहे हो तो आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लेके आइएगा मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर के लिए। उस पर ऐसा रहेगा कि आप कोई भी हेल्थ केयर आपके लिए फंडेड नहीं होती है, बिकॉज जस्ट आप यहाँ पे आए हैं, ना तो आप यहाँ के सिटीजन होते हैं ना ही रेजिडेंस होते हैं उस वजह से, तो मिनिमम टू मिनिमम अगर आप 2 साल स्पेंड करेंगे तो उसके बाद आप हेल्थ सर्विस वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको मिनिमम जो है अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन उससे पहले मस्ट है, लेकिन उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस तो ज़रूरी है यहाँ पे, बिकॉज़ हेल्थ केयर का सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे हेल्थ केयर, जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कोई मेडिकल फैसिलिटी की तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए मेक श्योर कीजिए। तो आज हमने कवर किए कुछ टॉपिक जो बेसिक जो मैं आपको बताना चाहता था, बिकॉज़ मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के और भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा अगर वो ट्राई करते हैं वो करने का इंडिया से न्यूजीलैंड के लिए, तो न्यूजीलैंड इस टाइम वीज़े तो काफ़ी दे रहा है, वीज़ा प्रीटी मच जो है वो
इजीली जो है अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ का वो आप पहले से प्लान करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एकोमोडेशन वगैरह जैसा कि मैंने बताया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो सही होनी चाहिए, यहाँ के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, और बेसिक कम्युनिकेशन तो सभी को आना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज टफ हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपनी भाषा में आपकी बात समझ पाएंगे और आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे। हेलो गाइस, कितना सुंदर ग्राउंड बना रखा है अंदर, यहाँ पे शायद हॉकी वगैरह के टूर्नामेंट होते हैं। शाम के टाइम वॉक कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मौसम है, अभी ठंड हो गई है बेसिकली, बट फिर भी सही है। वॉक करते करते अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है आपको न्यूजीलैंड में। तो आज हमने डिस्कस की 5 बेसिक थिंग्स, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, कुकिंग, हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। जो ये सब मेक श्योर करिए कि आप ये सब चीज़ें अपना कंफर्म करके आएँ, और आपका जो जर्नी है, जो यहाँ का ड्रीम है जो न्यूजीलैंड में रहने का, वो अच्छे से आप कर पाएँ। ये रग्बी खेल रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे शाम के टाइम। रग्बी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे ग्राउंड में रग्बी प्रैक्टिस करते हुए दिख जाएंगे लोग। हाँ तो गाइज़, अभी मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ से, बिकॉज़ अभी ठंड बढ़ गई है, रात होने वाली है। इफ़ यू गाइज़ लाइक टुडेज़ ब्लॉग, तो प्लीज़ मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप, और मेक श्योर यू डू सम कॉमेंट्स बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर माई फ्यूचर वीडियोज़, एंड इफ़ यू नीड एनी सजेशंस। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, आगे मैं कोशिश करूँगा कि और भी आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वीज़ाज़ जो हैं वो वर्क परमिट वगैरह आजकल न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इशू कर रही है, सो इंटरनेशनल एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो कोशिश करूँगा, आप भी मुझे क्वेश्चन कीजिएगा कॉमेंट्स बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड वीडियो बना के जल्दी से जल्दी मिलेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी यूज़फुल वीडियोस लेके फिर से मिलते रहेंगे। तो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, सो सी यू गाइस इन सम अदर ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस।